मानगे मनवाने के लिए सड़क पर उतरे हजरस कार्यकर्ता, ज्ञापन भी सौंपा। बावल, हरियाणा अनुसूचित जाति अध्यापक संघ के बैनर तले आज हजरस कार्यकर्ता बावल की सड़कों पर उतरे। ये अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे थे। इन्हें मंत्री के आवास से पहले रोकने के लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बाद में उन्होंने मंत्री के नाम उनके निजी सहायक को एक ज्ञापन पत्र भी सौंपा। 5 पृष्ठों वाले इस पत्र में संघ सदस्यों की लंबित मांगों का विस्तृत ब्यौरा दिया हुआ है। राज्य प्रधान डॉक्टर दिनेश निम्बड़िया ने बताया कि रविवार को चौथे चरण में अनुसूचित जाति के मंत्री, विधायक और सांसदों को ज्ञापन सौंपे गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 12 जून को पदोन्नति में आरक्षण देने की घोषणा की थी, मगर 4 माह बीतने के बाद भी इस पर अमल नहीं हुआ। सरकारी नौकरियों में 40,000 पद अनुसूचित जाति के रिक्त हैं और यह बैकलॉग काफी दिनों से नहीं भरा जा रहा। इस वजह से हमारे शिक्षित युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। संवैधानिक तौर पर आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने की वजह से अनुसूचित जाति समाज के लोगों में सरकार के प्रति आक्रोश है। अगर फरवरी तक हमारी मांगें नहीं मानी गई तो कर्मचारी संगठन समाज की सभी सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से बड़ा आक्रोश आंदोलन करेंगे, जो कि संविधान के दायरे में रहकर किया जाएगा। उन्होंने कैथल के एक शिक्षक सुरेश द्राविड़ पर दर्ज विभिन्न मामलों को जल्द वापस लिए जाने की मांग भी उठाई। इस मौके पर संघ के 4 जिलों के जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी शामिल थे। मंत्री के निजी सहायक ने यह आश्वासन दिया कि मंत्री जल्द इस मामले में मुख्यमंत्री के साथ बात करेंगे। डॉक्टर दिनेश निम्बड़िया, राज्य प्रधान हरियाणा अनुसूचित जाति राज्य के अध्यापक संघ। सर, आज बावल कैसे आना हुआ? हमने राज्य कार्यकारिणी के निर्देश पर पूरे राज्य भर में जितने भी अनुसूचित जाति के MLA मंत्री और सांसद हैं, उनको हमने ज्ञापन देने का जो निर्देश जारी किया है, तो उसी कड़ी में आज हम हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी को ज्ञापन देने के लिए आए थे। ये हमारे चौथे चरण का आंदोलन है। हजरस ने सर्वप्रथम ब्लॉकों से ज्ञापन देने का कार्यक्रम शुरू किया और फिर जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से और तीसरे चरण में उपायुक्तों के माध्यम से ज्ञापन देने का काम किया गया, लेकिन हरियाणा सरकार ने अभी तक हमारी उन मांगों के ऊपर सुनवाई नहीं की। और आज हमने उस चौथे चरण के क्रम में आज डॉक्टर बनवारी लाल जी को हमने ज्ञापन दिया है, यहां पर उनके रिप्रेजेंटेटर को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारी मुख्य मांग ये है कि 12 जून को मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने घोषणा की थी कि प्रमोशन में आरक्षण लागू किया जाएगा और वो जो कि सभी श्रेणियों में होगा, क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक की सभी कैटेगरीज में प्रमोशन में आरक्षण होगा, लेकिन जो समाज की मनसा थी वो कहीं ना कहीं आज मनसा दिखाई दे रही है। समाज को ये लग रहा था कि ये घोषणा मात्र घोषणा रह जाएगी, तो आज हमें आशंका इस बात की पूरी कि भाई 4 महीने जब बीत गए हैं लेकिन आज उस घोषणा पर कोई अमल नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, तो हमारी अपने इन अनुसूचित जाति के MLA मंत्रियों और सांसदों से निवेदन है कि वो माननीय मुख्यमंत्री से बात करें कि उस घोषणा को 4 महीने हो गए, उस प्रमोशन में रिजर्वेशन की घोषणा को लागू कराने का काम किया जाए। लोग पहुंचे हैं यहाँ, हमारे 4 जिलों से लोग थे और ये हमारे प्रतिनिधि आए हैं, हमारे जिला बॉडियों के जो हमारे पदाधिकारी हैं वो हमने बुलाए थे, क्योंकि आज हमने कोई ज्यादा भीड़ का नहीं करना था, क्योंकि हमारी पहले ही बात हो चुकी थी कि भाई हमने जो है हमारे मंत्री जी और सांसदों को जो ज्ञापन देना है वो एक संवैधानिक दायरे में देना है, तो उस संवैधानिक दायरे में हमारे प्रतिनिधियों ने ज्ञापन देने का काम किया। आगे क्या समय निर्धारित करते हो, कब आप ये आंदोलन? हमारा फरवरी मास में एक बहुत बड़ा जो है आक्रोश प्रदर्शन रहेगा और उस प्रदर्शन में हमारे जितने भी सामाजिक संस्थाएं, जितने भी संगठन है, हमारी जितनी भी एम्प्लाइज एसोसिएशन है, क्योंकि विभिन्न डिपार्टमेंटों में 10-11 विभागों में हमारी शेड्यूल कास्ट की एम्प्लाइज एसोसिएशन है, तो उन सभी के साथ बात करके फरवरी में एक जोरदार जो है ना आक्रोश प्रदर्शन करने का काम किया जाएगा। और वो प्रदर्शन जो हमारा रहेगा वो कहीं ना कहीं संवैधानिक आरक्षण के पूरा न करने की एवज में जो आक्रोश समाज में है उसको प्रदर्शित करने का काम किया जाएगा। अभी मंच से आवाज आ रही थी कि मंत्री जी आज नहीं मिले तो हम फिर मिलेंगे, ऐसा कुछ है क्या? वो हमारे जो रेवाड़ी जिले के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट बॉडी है वो एक बार फिर मंत्री जी से समय लेने का काम करेगी, ताकि वो अच्छी तरह, क्योंकि आज हम उनको यही बात करने आए थे कि हमारे इस जो क्लास 1-2 की प्रमोशन में रिजर्वेशन है उसमें कोई केस पेंडिंग नहीं है और सरकार के पास जो सारी रिपोर्टें हैं जिनके भी आप पे सरकार ने प्रमोशन में रिजर्वेशन देनी है, तो सरकार कहीं ना कहीं बहाना बना रही है प्रमोशन में रिजर्वेशन न देने का, तो हमारे प्रतिनिधि मिलकर के मंत्री जी से यही बात करेंगे कि इस मामले में किसी प्रकार की कोई दिक्कत शेष नहीं है, अतः प्रमोशन में रिजर्वेशन दी जाए।